अभी रात के 2 बज रहे हैं और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब जो है रात के वक्त बारिश स्टार्ट हो गई है। दिन के वक्त हम कहते हैं कि हो बारिश, लेकिन तब होती ही नहीं है जब नहाना होता है, और रात के वक्त हो जाती है जब नहा ही नहीं सकते भाई। ये देखें और देखें, जितनी तेज़ बारिश है उतनी तेज़ ही हवा है। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। ये देखिए दरवाज़ा भी खुद ब खुद ही आगे आ गया था। बिजली भी चमक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, और रात को मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बारिश हो रही है, और अभी भी मुसलसल बारिश हो रही है, और ऊपर बारिश के हल्के हल्के से टिपके जो हैं बारिश के कतरे वो मेरे ऊपर गिर रहे हैं, और अभी भी हो रही है बारिश। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी भी मैं उठी हूँ तो मम्मा मुझे कह रही हैं कि ज़रमीन, हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया, अब आप जो है अपना नाश्ता खुद बनाओ और करो। मम्मा वाले ने बनाया ही नहीं मेरा नाश्ता, वो कहते हैं कि जब उठेगी गर्म गर्म बना खा लेगी। ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। चलो मैं आके नाश्ता भी बनाती हूँ अपने लिए, और बारिश का मज़ा भी लेते हैं। हमारा इंजॉय कर गया बारिश में नहा के। मेरे से पहले की हमारा उठी है और ये नहा भी चुकी है। नज़ला हो जाएगा, जूती पहनो हमारा। बारिश का पानी लगने से कितने ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। बारिश का पानी अब लगा है ना, ग्रोथ भी इनकी अच्छी होगी। देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो गया। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, तो पौधे जो हैं वो जलना स्टार्ट हो गए थे, और अब बारिश हुई है तो अब जो है ये हरे भरे हो जाएंगे। और देखें यहाँ पे मैंने ना हैंगिंग प्लांट लगाए हुए हैं बोतलों में, ये देखें। और ये देखें कितने ग्रीन ग्रीन से हो गए हैं ना सारे। अब ग्रोथ भी इनकी अच्छी होगी। यहाँ देखें, और अब तो बारिश कम हो गई है क्योंकि बादल जो हैं वो टूट गए हैं। क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश थी ना, और बाहर मेरे से निकला ही नहीं जा रहा था, अब बारिश कम हो गई है। वो देखें बादल कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं। उसने कहा मैंने यहाँ पर रुकना ही नहीं है, कहता बहुत बरसा दिया मैंने। मौसम ऐसे देखें कितना प्यारा हो रहा है, और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। इस टाइम इतनी ठंडी हवा चल रही है और मुझे अब ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे बारिश का मौसम हो तो वैसे ही बहुत भूख लगती है, तो कुछ अच्छा खाने को दिल करता है। तो मैं जो है अभी नाश्ता बना लेती हूँ फिलहाल। राफे वाले जो है वो तो चले गए नीचे, राफे मोहित हमारा वो तो सारे पहले ही चले गए नीचे कि हम जाके बारिश में एंजॉय करके आते हैं। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं भी जाऊंगी उनके साथ, और मैं भी बारिश में एंजॉय करूंगी। तो मेरा ये मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा क्रिस्पी पराठा बनके तैयार है, और चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी है। तो बाकी सब ने तो नाश्ता कर लिया, सिर्फ मैंने अपना ही नाश्ता बनाया, और मम्मा ने रात को ये मगज़ बनाया था। तो मम्मा मुझे बोलती रही कि ज़मीन टेस्ट कर लो, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। अभी मेरी चाय बन जाए फिर मैं नाश्ता करूं। मैंने सोचा था कि मैं एंजॉय करूंगी, लेकिन मोहित नहीं करना उसको, सोचा था कि एंजॉय करूंगी बारिश में, लेकिन धूप आ गई। धूप भी प्यारी लग रही है। मुर्गे से ना मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया है। पहले मतलब कि डरती थी मैं इससे, लेकिन इतना डरती नहीं थी मैं, लेकिन अब ज़्यादा डर लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कल ये मेरे पीछे 2 मरतबा लग गया। मैं बतखे बंद करने गई तो बतखों को भी जैसे मैंने पिंजरे में डाला, फ़ौरन भागता हुआ मेरे पीछे आया, मेरी दुड़कियाँ लगी। उसके बाद मैं फिर गई हूँ कि मैं दरवाज़ा तो बंद कर दूँ, वो निकल ना जाए बतखे। फिर मैं आई हूँ, मैं इसको हटाने की कोशिश की, फिर से मेरे पीछे लगा है। मैं भागी, ग्रिल का दरवाज़ा बंद करके मैं भागी हूँ, और ये यहीं पे बदतमीज खड़ा हुआ था।
इन्होंने तो बारिश में खूब इंजॉय किया है। राफे लग रही है अब ठंड? पत्थरों के खिलाड़ी, सुखी कांगड़ियां। अभी मैं किचन में आई हूँ कि मैं नाश्ता कर लूँ, और ये मेरे पीछे भागते भागते आए कि जल्दी हमें नाश्ता बना के दो, क्योंकि बारिश में नहाया है तो इनको फिर से भूख लग गई है, और मुझे कह रहे हैं कि नाश्ता बना के दो, और मुझे इनका भी बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले अपना नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि इन लोगों ने तो खाया है ना पहले, मैंने तो नहीं खाया। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी भी मैं रोटियां बना के फारी हुई हूँ, और यहाँ पे जो है मम्मा भिंडियाँ बना रही है, क्योंकि मगज़ तो मैं कतई नहीं खाने वाली, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे शक्ल तो ठीक है इसकी, लेकिन क्या करें, दिल नहीं मानता मेरा, नहीं दिल करता मेरा खाने को, और भिंडियाँ मम्मा बना रही हैं तो इसलिए फिर देखूँगी, अगर दिल किया तो खाना खाऊँगी, वरना नहीं खाऊँगी। वैसे मेरा अभी तो मूड नहीं हो रहा खाना खाने का। और बालों में मैंने हेयर मास्क लगाया हुआ है, वो भी भाभी ने बनाई थी ना रेमेडी, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा जरमीन आप के लगाऊंगी, वो दो दिन पहले उन्होंने बनाया था, और कब से मैंने बोल दी थी हाँ भाभी मैं आपके पास अभी आऊँगी अभी आऊँगी, और कह कह के उनको बस आगे से आगे डिले किए जा रही थी मैं, तो फिर आज मैं गई, आज भाभी कहती चलो जरमीन लगाऊँ मैं, फिर मेरी कज़न ने मुझे लगा दिया, वो अपने सर से मैंने हेयर मास्क उतार दिया, और अब जो है मुझे अपने बाल सॉफ्ट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। और अकेडमी में गई थी, तो अकेडमी से जाने से पहले मैंने धोए थे बाल, अभी भी लेकिन गीले हैं, तो फिर वहाँ अकेडमी गई हूँ, तो फिर अभी आई हूँ, तो फिर मैंने कैसे व्लॉग ही एंड कर ली थी। और अब मैं पहले तो धूप निकल आई थी, लेकिन अब फिर से बादल हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है रात को फिर से बारिश होगी, हल्के हल्के बादल आ गए हैं। और हमारा यहाँ पे क्राफ्टिंग कर रही है, हमारा क्या बना रही हो? छोटे छोटे बॉक्स, जैसे मैं ग्लू वगैरह बनाती हूँ, डब्बे मेरे पास में थे, कंटेनर जो मैंने बनाने थे, कुछ पेपर्स ले लाऊंगी, कुछ प्लास्टिक कुछ आप बना दो। नो वे, हाँ तो क्या करूँ, आई एम सो बिजी। व्हाई आर यू बिजी? डोंट यू नो, हमारे तो क्राफ्टिंग करे हुआ देखे, सारी चीज़ें सेट करके रखी हुई है। मेरा भी आजकल ड्राइंग करने को दिल कर रहा है, फिर से मूड हो रहा है कि मैं ड्राइंग करूं। फिर कमर तोड़वा के क्या? फिर कमर तोड़वा के बाहर जाएगी। कमर क्यों, इसमें कमर का क्या लेना देना? पिछली बार भी तो ऐसे हुआ था। क्या हुआ था? वो जो हुआ था आपको भी पता ही है। क्या हुआ था बता दो। वो तो ऐसे नॉर्मली होता ही रहता है, ड्राइंग जैसे करनी होती है उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना, हाथ में दर्द वगैरह, मतलब वो तो होता है, वो जो बोरा कमर से रोक रहा है उससे कमर का क्या होगा। और अब राफे से मंगवाऊंगी वाइट पेपर्स और फिर बनाएंगे। चलो भाई मैं नहीं दूंगी, मैंने अपने पैसे से मंगवाए थे, मैंने अपने पैसे से। तो फिर कुछ नहीं होता, बहने बहने के ही काम आती है, मैंने भी आपको दिया था एक, मेरे पास एक ही पड़ा है, कुछ नहीं होता वो। अब एक मेरा अभी मेरा मूड हो रहा है ना कि मैं ड्राइंग करूं। चलो भाई हमारा अपनी क्राफ्टिंग करती रहे, तो बस आज का मेरा इतना व्लॉग था, तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।